लगातार जहाँ पे एकदम इस तरीके के आयोजन होते हैं बड़े बड़े क्षेत्रों में, हर फील्ड में किस सेलिब्रिटी से हाथ मिलवाया जाता है और बड़े बड़े नेताओं से मिलाया जाता है, आज इस ग्रामीण क्षेत्र की महिला को यहाँ पर अपने हाथ मिलवाया, क्या बड़ा कारण मानते हैं, क्या वजह? ये आज जो कार्यक्रम चल रहा है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर शुरुआत हुआ है, और मोदी जी की जो सरकार बनी है उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग अगर किसी का है तो गरीब का है। एक गरीब माँ जो आज कुश्ती देखने के लिए आई है उससे हाथ मिलवा करके हम लोगों ने इस खेल का शुभारंभ कराया है, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है और देश के लिए भी गौरव की बात है। जो माँ सहमी सहमी थी, डरी डरी सी कुश्ती देखने को तरस रही थी, आज उस माँ ने जो है दो बच्चों का हाथ मिलवाया है और इससे गरीब परिवार के बच्चों पर असर पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा आएगा वो भी इस तरीके की चीज़ों से ही नहीं, बिल्कुल सबका साथ सबका विश्वास और सबका तो है ही है, लेकिन एक गरीब को भी सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि ये सरकार गरीबों के बदौलत है। तो लगातार हमारे जो नेताजी हैं उन्होंने कहा कि जो गरीब महिला है उसको हाथ मिलवा करके हमने संदेश दिया है कि सभी तरह के इस तरीके के जो लोग हैं वो जुड़ेंगे तभी देश का जो विकास है वो सब। हमारे साथ महिला मौजूद हैं जिनसे जो नेताजी यहाँ के सांसद भूषण सरन सिंह और कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हाथ मिलवाया और किस तरह से जो राष्ट्रीय कुश्ती में है वो महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को जोड़ा, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मदे क्या नाम है आपका? भुल्ला। क्या अभी कौन सा गांव आपका? कौघार। यहां पे आज नेताजी आए थे, आपको हाथ मिलाने के लिए कुश्ती की ओर से बुलाया, कैसा लग रहा है? नीक लग रहा है। आशीर्वाद देंगे इन बेटियों को जो ये बेटियां यहां पे? हां दीन भैया, मोदी जी का नाम सुना है? हां मोदी जी को जानते हैं? ना एक हाँ देखे ना जाना जी भैया जाना देख तो सुना होगा टीवी हम तो देखे वैसे भी देखे हैं आधे रखे थे यहाँ पे देखे टीवी में है। आपके आपके क्षेत्र में पहुँचे थे मोदी जी को इधर देखा ला रखे थे यहाँ पर देखे थे पहली बार जो आए थे तो देखे थे हमारे गांव में आए थे वो अभी जैसे नेताजी आप लोग कुश्ती देखने के लिए, ये राष्ट्रीय कुश्ती हो रही है, बहुत दूर दूर से जो लोग आए खेलने के लिए, तो आप लोग यहाँ बैठे हैं कैसा लगा? बहुत अच्छा बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कुछ धन्यवाद वगैरह कुछ कहना चाहेंगे? अरे बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद भैया। ये नेताजी को जानते हैं आप लोग? ये सांसद, ये सांसद है कैसरगंज से आए यहाँ पर, जो ये राष्ट्रीय कुश्ती हो रही है उसके अध्यक्ष हैं ये लोग। पहली बार देखे इसे यहाँ पर, जब से हमारी शादी हुई पहली बार देखे यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। हाँ प्रोग्राम देखा है ऐसा कोई यहाँ पर? तो नहीं देखे हैं, यहाँ नहीं देखे थे, अयोध्यापुरी में देखे थे, अयोध्या में देखे थे, यहाँ नहीं देखे, हमारे यहाँ हुए नहीं कभी। जो प्रोग्राम है ये राष्ट्रीय कुश्ती है तो इसमें मतलब 23 राज्य से 700 खिलाड़ी यहाँ पे आए हैं, 150 के आसपास जो है लेडीज भी खेलने के लिए आए हैं, लगातार देखिए बच्चियाँ जो है वो खेल रही हैं, तो ऐसा प्रोग्राम होता है तो लगता है महिलाओं में और चीजें आगे बढ़ेंगी। बढ़ेंगी भाई, बढ़ेंगी, देखेंगे तो बढ़ेंगे। आप लोग अपनी बेटियां वगैरह अगर उनको इम्प्रूव करेंगे यहाँ तक पहुँचाने के लिए? ठीक है, कल देखेंगे। ठीक है, आना चाहिए ना? हाँ ठीक है। मंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप लोग सहयोग दे रहे हो? हाँ भैया ठीक है, देंगे भैया, और कहाँ आएंगे, सबको आना चाहिए, बेटियों को बेटों को सबको आना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि घर में तो बेटी खाएंगे क्या भैया, बेटियाँ आगे जानी चाहिए, सरकार मदद करे आप लोगों की तो आगे आप बेटियों को भेजेंगे क्यों नहीं भेजेंगे, जो हमें अच्छा लगेगा तो भेजेंगी, बस हम भी चाहते हैं हमारे बच्चों आगे बढ़े पढ़े लिखे। जो बेटियाँ जो है वो कुश्ती में आती हैं और चीजें लगती है इंटरनेशनल, हमारी भी बेटियाँ ऐसी अच्छे हुए भाई, हमें भी खुशी होगी आगे बढ़े। प्रोग्राम होते हैं तो अच्छा लगता है कि चीजें आगे, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता है भैया। कुछ बहन हमारे साथ और मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? अंजू। इसमें अमेठी के अंदर ये जो गौरीगंज जगह है यहाँ पर इतना बड़ा कुश्ती का आयोजन हुआ है, बेटियों आप देख रहे हैं लगातार 3 दिन से प्रोग्राम चल रहा है, बेटियाँ यहाँ पर जो देश की बेटियाँ वो खेल रही हैं, लगता है कि और ज़्यादा युवाओं को यहाँ पर आना चाहिए और लड़कियों को बढ़ावा मिलेगा? यस मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। लोगों को मन नहीं करता कि कभी जो पढ़ाई जो है बड़े लेवल पे करें, कुश्ती में भाग लें इस तरीके का? डरता है क्यों नहीं, आगे आगे जो बेटियां हैं उनको आना चाहिए और ज्यादा आना चाहिए। जैसे देखो का सांसद जी ने यहाँ पे इनका हाथ मिलवाया, जो बूढ़ी अम्मा जी हैं उनको ग्रामीण क्षेत्र की महिला को इस तरीके के ऊपर भेजना, इससे कुछ संदेश मिलेगा? हाँ मिलेगा। और नेता जी जो वहाँ बैठे हुए हैं वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनके लिए कोई मैसेज यहाँ से? जी हाँ, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर कराए हुए हैं।
और हम लोगों को देखने का मौका मिला है यहाँ पर, नहीं तो कहाँ। मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो वाकई में यहाँ की जो बेटियाँ वो पढ़ाई में मतलब आगे जाएंगी? हाँ जाएंगे, जब पढ़ाएंगे उनके माँ बाप पढ़ाएंगे तो जाएंगे ही। मतलब आगे स्टेप लेना चाहिए, तो सरकार सहयोग करेगी तो बेटियाँ जरूर पढ़ेंगी। हाँ पढ़ेंगी। लगातार यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की, इनका कहना है कि अगर सरकार जो है वो इसी तरह से सहयोग करेगी बेटियाँ आगे जरूर बढ़ेंगी। अमेठी की बेटियाँ, गौरीगंज की बेटियाँ भी इसी तरह से आगे बढ़ेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।